नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2021 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो है इसके पहले जितने भी प्रीवियस मंथ हो चुके हैं तो आप लोग जो है उसको भी देख सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आगे भी देखिए इसी तरीके से आपको जो है मंथली करेंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो वो जो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमेशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है पहला, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष जो है 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो 2021 का जो इस बार का मनाया थे हमने, तो ये जो है इसके लिए विषय वस्तु क्या रखी गई थी। तो देखिए जो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है, इसमें देखिए पर्यावरण दिवस नहीं, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की बात कही जा रही है। तो ये जो है हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें देखिए मेनली जो है स्वास्थ्य के बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन मनाते थे, 26 सितंबर को। तो अब देखिए जब भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट डे जो सेलिब्रेट की जाती है तो उसका जो है एक विषय वस्तु भी रखी जाती है। तो इस बार का जो 2021 का जो थीम रखा गया हुआ है, यानी कि जो विषय वस्तु है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदाय के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। तो ये तो आपका हिंदी में दिया हुआ, इंग्लिश में भी आप लोग इसको देख लेना कि प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन द ग्लोबल रिकवरी। तो ये जो है इस वर्ष का इसका थीम रखा गया, यानी कि विषय वस्तु है। तो आप लोग जो है इसमें दोनों तरीके से याद कर लेना। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 26 सितंबर को। और इस वर्ष का थीम क्या है, तो वो है आपका वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदाय के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो देखिए जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है, तो यह ऐसा स्टेशन बन चुका है कि जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला ये स्टेशन बन चुका है। और ये इस तरीके से भारत का ये पहला रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म के जो सेंटर जो है, तो उस पे जो है सौर जो पैनल है, मतलब जो सौर पैनल जो होते हैं, तो वो स्थापित किए गए। तो इनके द्वारा जो है 100% जो होते हैं ना दिन की ऊर्जा जो होती है, तो उसके आवश्यकता लक्ष्य को ये पूरा कर लेता है एक्चुअली में। तो इस तरीके से जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, तो ये भारत का एकमात्र पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा सतत विकास लक्ष्य, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं, तो उसके जो है अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो देखिए जो कैलाश सत्यार्थी है, तो इनको जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट के रूप में जो है इनको नियुक्त किया हुआ है। और देखिए जो कैलाश सत्यार्थी है, तो ये जो है भारतीय मूल के, ये 2014 में इन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार भी जीत चुका है शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के अनुसार ई गवर्नमेंट में भारत कौन से स्थान पर है। तो देखिए जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 का जो आंकड़ा आया था, तो इसमें जो है 110 देशों के बीच में जो है ये सर्वे किया गया था। तो उसमें ये पाया गया कि जैसे डिजिटल जो दुनिया है, तो उसमें जैसे गुणवत्ता में कितनी सुधार हो रही है विश्व स्तर पे, तो उसमें कौन से टॉप पर है और कौन से कंट्री कितने नंबर पे, तो इस स्थान पे भारत देखिए जो है तो वो 33वें नंबर पे रहा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, क्वेश्चन आपका इंडेक्स से पूछा ही जाता है यहाँ पे। और देखिए जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है, तो ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित जो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है सर्फ सॉर्फ जो है, तो ये उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और इसमें देखिए जो डेनमार्क है, तो वो जो है लगातार जो है इस सूची में सबसे ऊपर में है। तो आप लोग जो है इसको भी याद कर लेना। और भारत कितने नंबर पे, इसका रैंक है 33। नेक्स्ट देखिए कि फ्यूगो ज्वालामुखी में 23 सितंबर 2021 को एक जोरदार विस्फोट चरण शुरू हुआ था, तो यह जो है किस देश में स्थित है। तो देखिए जो फ्यूगो ज्वालामुखी है, तो ये जो है ग्वाटामाला के ये 3 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो ये देखिए हाल ही में जो है अभी इसमें जो है एक जोरदार विस्फोट हुआ था, तो इसलिए न्यूज में रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पे, कौन से देश में, तो ये जो है आपका ग्वाटामाला में है। नेक्स्ट देखिए कि भारत हर साल जो है किस दिन अंत्योदय दिवस मनाता है। तो देखिए हर साल जो है अंत्योदय दिवस,
यानी कि हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं तो वह है 25 सितंबर को। तो देखिए जो 25 सितंबर है तो इस दिन अंत्योदय दिवस मनाते हैं, और ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती का उत्सव हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो और इनको जो है अंत्योदय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि देखिए ये एक राष्ट्रपति नेता थे और साथ में एक गरीब और दलितों के लिए खड़े हुए थे। तो इसीलिए जो है इनका जो जन्मदिन होता है इस दिन, तो इसको हम लोग मनाते हैं अंत्योदय दिवस के रूप में। नेक्स्ट देखिए कि 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए जो 400 डेज जो पुस्तक है तो इसके लेखक है चेतन भगत। तो ये जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देखिए इसको बहुत ही इजीली तरीके से भी याद भी रख सकते हो। यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है चेतन, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, चेतना से। जैसे होश आता है ना किसी को, उसको बोलते हैं हम लोग की चेतना आया, तो उसको जो है चेतना कितने दिन में आएगा, तो उसको जो है 400 डेज में आएगा, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, कितने दिन में आएगा, 400 डेज में आएगा। तो आप जो एक ट्रिक के माध्यम से इसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नैस्डेक पर सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय सास स्टार्टअप बन गई है। तो देखिए जो टेक फर्म फ्रेश वर्क्स है, तो ये जो है नैस्डेक पर सूचीबद्ध होने वाली ये पहली भारतीय सास स्टार्टअप ये बन गई है। और देखिए ये हाल ही में जो है इसने जो है 1 अरब डॉलर के आईपीओ के बाद जो है इसने नैस्डेक स्टॉक एक्सचेंज पे जो है अपनी शुरुआत की थी। तो जिससे कि यह अमरीकी बाजार में सूचीबद्ध होने वाला ये पहला ऐसा भारतीय सास कंपनी ये बन चुका है। तो ये देखिए पे काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, यानी कि जो सार्क है आपका, जिसका फुल फॉर्म आपका होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, तो इसके जो है विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई है। तो ये देखिए 2021 में जैसे सितंबर में इसका जो है आयोजन होने वाला था, तो ये किस शहर में उसके होने वाली थी। तो देखिए हाल ही में जो है अभी सार्क का जैसे कि इसके विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली थी, लेकिन इसको जो है रद्द कर दिया गया था। तो ये देखिए न्यूयॉर्क में ये आयोजन इसका किया जाना था, लेकिन देखिए इसमें पाकिस्तान चाहता था कि जैसे अफगानिस्तान की तरफ से जो है तालिबान इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करे, लेकिन भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी, तो इसी के बाद जो है इस बैठक को रद्द कर दी गई थी। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है, सार्क जो है देखिए इसमें जो कंट्री है तो इसमें अफगानिस्तान भी इसमें एक मेंबर है इसका, लेकिन देखिए अफगानिस्तान में जैसे कि तालिबान की सरकार आ गई थी, इसी के चलते जो है इस बैठक को रद्द कर दी गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको, आप लोग जरूर इसको याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए कि सितंबर 2021 में अगले वायु सेना अध्यक्ष यानी कि जो चीफ ऑफ जो एयर स्टाफ होते हैं, तो इसका जो है इसके रूप में किसे नामित किया गया है। तो देखिए हाल ही में जो है विवेक राम चौधरी को जो है वायु सेना अध्यक्ष यानी कि जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते हैं, तो इनको जो है नामित किया गया हुआ है। और इनफैक्ट जो ये उनका अपॉइंटमेंट हो भी चुका है ये, और अब जो पहले थे आपके एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, तो ये जो है उसके स्थान ये लेंगे। नेक्स्ट देखिए कि ग्लोबल ट्रेंड आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो देखिए जो ग्लोबल ट्रेंड आउटलुक रिपोर्ट जो है, तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, तो ये इनके द्वारा ये जारी किया जाता है ये रिपोर्ट। और देखिए जो ये रिपोर्ट अभी जो हाल ही में जो लेटेस्ट जो जारी किया गया था, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2050 तक वैश्विक आयात का यानी कि जितने भी इम्पोर्ट होते हैं, तो उसका जो है लगभग ये 5.9% की हिस्सेदारी के साथ जो है ये चाइना और अमेरिका के बाद जो है ये तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर देश ये बन जाएगा। तो ये रिपोर्ट आपका इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट, तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग है, तो इनके द्वारा ये जारी की जाती है। नेक्स्ट देखिए कि सितंबर 2021 में विश्व बैंक समूह ने अपनी प्रमुख रिपोर्टों में से एक को बंद कर दिया है, तो उस रिपोर्ट का नाम क्या है। तो देखिए विश्व बैंक समूह जो है अपना एक रिपोर्ट जो है इन्होंने बंद कर दिया है, तो इस रिपोर्ट का नाम है आपका दैट इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो देखिए ये जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, तो ये जो है अब इसको बंद कर दिया गया हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें जो है ये जो है एक न्यूज आई थी कि चाइना को जैसे रैंकिंग में बढ़ावा देने के लिए जो है कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा दबाव डाला गया था, तो इसके चलते जो है इन्होंने इस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो देखिए जो ओजोन परत के लिए जो संरक्षण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और देखिए जो ओजोन लेयर है, तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए जो ओजोन लेयर है, तो इसके चलते जितने भी इम्पोर्टेंट जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जो सूर्य से वो जो आते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है।
अगर मान लीजिए अगर ओजोन लेयर में अगर उसमें कोई छेद हो जाए या फिर उसमें होल हो जाए तो जो लेयर जो कि हार्मफुल है तो वो डायरेक्टली अर्थ पे आएंगे, जिससे कि हमें बहुत सारे बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट रहता है कि ओजोन का जो परत है उसको हम बचा के रखें। क्योंकि देखिए रिसेंट में ये रिपोर्ट आया हुआ था, मतलब जो शोध किए गए थे इसके ऊपर में, कि ओजोन की जो परत है तो वो जो है कमजोर पड़ रहा है और उसमें छिद्र हो रहे हैं। तो इसीलिए इसका संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने अ मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी रिपोर्पोजिंग एग्रीकल्चर सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट द फूड सिस्टम शीर्षक जो है इनमें से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। तो देखिए जो हाल ही में रिपोर्ट ये है आपका, जैसे कि ये एक शीर्षक के नाम से लॉन्च की गई है, तो जिसका नाम है आपका अ मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी रिपोर्पोजिंग एग्रीकल्चर सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट द फूड सिस्टम। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इसके साथ में जो आपका खाद्य और कृषि संगठन है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि जो इन्वायरमेंट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, तो ये इन तीनों के द्वारा जो है शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है। तो आपका जो है सभी आपका हो जाएगा ABC। अब देखिए इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया हुआ है कि विश्व भर में जितने भी कृषि उत्पादकों को जो जो भी मतलब सरकारी सहायता दी जाती है तो उसमें से जो लगभग 87% जो भी उपाय शामिल किए गए हैं तो वह जो है प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए वो जो है हानिकारक हो सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया जिससे कि उसमें कुछ सुधार किया जा सके। नेक्स्ट देखिए कि सितंबर 2021 में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है। तो देखिए हाल ही में जो है एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है आपका ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो यह जो पुस्तक है इसका देखिए जो प्रकाशन किया गया है यानी कि जो ये पुस्तक के प्रकाशित की गई है तो इसके जो लेखक है वह सुब्रमण्यम स्वामी है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है आपका, आप लोग इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए कि पूरे देश में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए पूरे देश में जो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और देखिए 14 सितंबर को ही यानी कि 1949 14 सितंबर को जो है उसी के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में जो लिखी गई हिंदी को जो है देश के राजभाषा के रूप में अपनाया था। तो इसीलिए जो है हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, और इसके साथ में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भी जो है हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। तो देखिए जो हैदराबाद स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, तो यह जो है इसरो के साथ अनौपचारिक रूप से समझौता करने वाला ये पहला ऐसा निजी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखिए कि 2021 यूएस ओपन के चैंपियन का ताज किसने मिला। तो देखिए जो अभी हाल ही में यूएस ओपन जो हुआ था तो इसका देखिए जो चैंपियन है तो वह डेनियल मेदवेद है। तो ये देखिए इन्होंने जो है नोवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने जो है यूएस ओपन 2021 का जो चैंपियन है इसका ताज इनको मिला हुआ है। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है आपका जब भी आपका रहता है, और इनफैक्ट ये जो आपका मेल कैटेगरी से है तो ये जो है करंट अफेयर PDF में हम अपडेट कर देंगे मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी का। नेक्स्ट देखिए कि किस देश ने वायुमंडल जल और भूमि की देश की अवलोकन क्षमता में सुधार करने के लिए जो है अंतरिक्ष में एक नया उपग्रह गफन 502 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो देखिए चीन जो है वायुमंडल पानी और जमीन की जो देश की मतलब उनके जो भी होंगे तो ये उनके अवलोकन करने के लिए जो है उसकी क्षमता में सुधार के लिए अंतरिक्ष में एक नया उपग्रह जो कि नाम है इसका है गफन 502, तो इसका जो इन्होंने सफलतापूर्वक लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए जो पुस्तक है आपका बैक टू द रूट्स तो इसके जो लेखक है तो वह है तमन्ना भाटिया। तो आप देखिए इसको इजीली याद भी कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है नाम इसका दिया हुआ है बैक टू द रूट्स। अब इसमें देखिए लेखक कौन है इसका, तमन्ना भाटिया है। तो हम इसको किस तरीके से याद करेंगे, तमन्ना से आप लोग याद है हमारी तमन्ना क्या होती है कि हम आगे ही बढ़े, लेकिन इसमें बात की जा रही है कि बैक टू द रूट्स कि हम जो है अगर हमें आगे बढ़ना है तमन्ना हमारी एक आगे बढ़ेंगे तो हम जो एक बार फिर से बैक टू द रूट्स जाके फिर से सोचें अगर हम लोग कुछ चीज़ फेल हो जाते हैं एक बार में। तो ये आप लोग बस एक ट्रिक के रूप में आप बना सकते हो याद करने के लिए। नेक्स्ट देखिए कि 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक आउटरीच कार्यक्रम गो टू हिल्स 2.0 शुरू किया है।
तो देखिए मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, तो इन्होंने जो है एक आउटरीच कार्यक्रम गो टू हिल्स 2.0 इसकी शुरुआत इन्होंने की है। और देखिए इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैसे जो दूर दराज के जो लोग हैं तो उनको जो है उनके दरवाजे पे ही जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं तो उसका जो है लाभ उन्हें मिल सके। नेक्स्ट देखिए कि 6 सितंबर 2021 तक चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कितनी परिक्रमा पूरी कर ली है। तो देखिए जो चंद्रयान 2 जो मिशन है हमारा, तो ये इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो इसरो ने देखिए चंद्र कक्षा के चारों ओर जो चंद्रयान 2 जो अंतरिक्ष यान है तो इसके संचालन के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो है 6 सितंबर 2021 को 2 दिवसीय चंद्र विज्ञान जो कार्यशाला है तो ये इसका आयोजन इन्होंने किया था। तो इसमें देखिए इन्होंने ये डेटा रिवील किया था कि जो चंद्रयान 2 जो है तो इसने चंद्रमा की जो है ये पूरे 9,000 परिक्रमा को पूरी कर ली है इसने। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखिए कि ध्वजवाहक के रूप में यानी कि जो फ्लैग बियरर जो होते हैं तो टोक्यो पैरालंपिक्स गेम के लिए समापन समारोह में भारत के दल का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए अभी हाल ही में जो टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स भी अभी फिनिश हुए हैं तो इसमें देखिए जो समापन समारोह जो हुआ था तो उसमें जो है ध्वजवाहक यानी कि जो फ्लैग बियरर के रूप में जो है अवनी लखारा ने किया था। तो देखिए जो अवनी लखारा जो है तो ये जो है एक एक ये स्वर्ण पदक भी जीते थे इन्होंने पैरालंपिक्स खेलों में। और देखिए इनके साथ में इनको कांस्य पदक भी दोनों प्राप्त हुए थे। और ये जो है ये निशानेबाज है तो ये आप लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी भी याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये जो है पहले खिलाड़ी तो है ही एक्चुअली में जिन्होंने स्वर्ण पदक और साथ में कांस्य पदक जीता हुआ है अपने टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स में। और ये एक शूटर है यानी कि निशानेबाज है। नेक्स्ट देखिए कि नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए जो हाल ही में पुस्तक लॉन्च किया गया आपका नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ, तो इसके जो लेखक है तो वो है एंजेला जोली है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और देखिए इस पुस्तक में जो इन्होंने जितने भी ग्राहक के जो अधिकार जो होते हैं और साथ साथ में जागरूक करने के लिए जो है जो भी इम्पोर्टेंट जो तरीके होते हैं तो ये सारा चीज़ जो है इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और देखिए इसको आप यहाँ पे इजिली याद भी कर सकते हो एंजेलिना जोली। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि नो योर राइट्स एंड क्लेम देम कि आप अपना जो राइट्स है जो अधिकार है आप उसको जाने उसको और उसको क्लेम करें। और इसमें गाइड दिया हुआ है खासकर यूथ के लिए भी। तो जोली है तो जानना आप इस तरीके से थोड़ा बना के याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए कि टोक्यो पैरालंपिक्स खेलो 2020 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते। तो देखिए हाल ही में जो टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों का समापन अभी हुआ था तो इसमें देखिए जो भारतीय दल है तो इन्होंने जो है टोटल 19 पदक इसमें इन्होंने जीता है। और इसमें से देखिए जो टोटल जो इन्होंने पदक जो जीता हुआ तो उसमें से 5 स्वर्ण है यानी कि 5 गोल्ड मेडल है और 8 सिल्वर है और 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। और इसमें देखिए टोटल जो है 162 देशों ने जो है पार्टिसिपेट किया था तो भारत जो है इस तालिका में 24वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट देखिए कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो देखिए साक्षरता से रिलेटेड जो है जागरूकता फैलाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाई जाती है। और देखिए इसका जो पहली बार जो आयोजन किया गया मतलब ये जो दिवस मनाया गया था तो वो 1967 में किए गए थे। नेक्स्ट देखिए कि सितंबर 2021 में कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी निविदा यानी कि जो ये होता है उनका एक लीगल टेंडर होता है तो उसके रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो देखिए जो अल सल्वाडोर है तो इन्होंने जो है बिटकॉइन को अपना जो है एक इन्होंने लीगल स्टेटस दे दिया है कि ये जो है उनका अब ये करेंसी होगा उनका एक लीगल टेंडर के रूप में इनको स्वीकार किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिन्होंने बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर घोषित किया हुआ है। और देखिए बिटकॉइन क्या है एक डिजिटल एसेट्स है आपका डिजिटल करेंसी है एक्चुअली में। तो इस तरीके से बहुत सारे डिजिटल करेंसी आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आपका इथेरियम BNB हो गया तो जिसमें कि बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटल है तो ये सबसे ज्यादा और इनफैक्ट जो बिटकॉइन है तो ये लीडिंग क्रिप्टो करेंसी है। नेक्स्ट देखिए कि सितंबर 2021 में टोक्यो पैरालंपिक्स में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए जो हाल ही में भी टोक्यो पैरालंपिक्स गेम ऑर्गेनाइज किए गए थे जापान में
तो इसमें देखिए जो मिश्रित 50 मीटर एयर पिस्टल मतलब 50 मीटर जो पिस्टल स्पर्धा है, तो इस कैटेगरी में जो है मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखिए कि 2015 में ब्रिक्स यानी कि इसमें जो सदस्य जो देश है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, तो इन्होंने देखिए जो है इन देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने एक बैंक स्थापित किया था एनडीबी का, तो इसने देखिए फिर किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दे दी है। तो देखिए जो ब्रिक्स जिसमें कि ये पांच मेंबर आते हैं इसके, तो इसके द्वारा जो बैंक का इन्होंने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है तो ये जो है स्थापित इन्होंने किया था ब्रिक्स में जितने भी सदस्य देश है, तो इन्होंने देखिए बांग्लादेश को जो है अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट देखिए कि किस देश के राष्ट्रपति ने देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जो है बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। तो देखिए हाल ही में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे, तो इन्होंने देखिए देश की मुद्रा के मूल्य में जो भारी गिरावट आई थी तो इसके कारण जो है खाद्य की जो कीमतें हैं तो वहां पर देखिए काफी बढ़ोतरी हुई थी, तो इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो मुद्रास्फीति बढ़ गई थी तो इसको रोकने के लिए जो है इन्होंने जो आर्थिक आपातकाल है ये इसकी इन्होंने घोषणा कर दी थी। तो ये देखिए आपका काफी इंपॉर्टेंट है और जब भी इस तरह कोई न्यूज रहता है तो वो आपका एग्जाम में आता ही है। तो श्रीलंका ने जो है इन्होंने अभी जो है इकोनॉमिक इमरजेंसी की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 के जो पांच प्राप्तकर्ताएं हैं तो उनमें से ये एक है। तो देखिए जो रेमन मैगसेसे पुरस्कार है तो ये जो है एशिया का नोबल पुरस्कार के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो देखिए 2021 में जो है इस वर्ष पांच लोगों को दिया गया हुआ है, तो इसमें कौन कौन है तो यहाँ पे देखिए नाम आपका दिया हुआ है डॉक्टर फिरदौसी कादरी है जो कि वैक्सीन साइंटिस्ट है बांग्लादेश से, दूसरा आपका है रॉबर्टो बैलन है, तो ये देखिए ये फिलिपिनो फिशर और साथ में कम्युनिटी इन्वायरमेंटलिस्ट है, तीसरा है मोहम्मद अमजद साकिब है, तो ये देखिए माइक्रो फाइनेंस पाइनर है पाकिस्तान से, फिर इसके बाद चौथे हैं इसके बाद चौथे आपका स्टीफन मेंसी जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन वर्कर है यूनाइटेड स्टेट से, और पांचवे है वॉच डॉग है, तो ये देखिए वॉच डॉग आपका है जो कि इंडोनेशिया टॉर्च बेरर है, इन्वेस्टिगेशन एक जर्नलिज्म है ये, तो इन जो है पांच लोगों को दिया गया हुआ है रमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 का। तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन वगैरह दिया हुआ है सुधीर देवनसेन, तो ये तो है ही नहीं, इनको दिया नहीं गया, डॉक्टर फिरदौसी कादरी, तो इनको देखिए दिया गया हुआ है डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो कि ये वैक्सीन साइंटिस्ट है बांग्लादेश से, तो यही जो है आपको क्या होगा सही होगा, और बाकी इसमें मोहम्मद हनी पानी लगे तो है नहीं, तो आपको देखिए ये सारे जो रेसिपेंट है इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला संस्थान है। तो देखिए जो टाइम्स हायर एजुकेशन ने जो है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का इन्होंने जो है अभी इसका एक आंकड़ा जारी किया था, तो इसमें देखिए जो भारत का आईआईएससी बेंगलोर है तो ये जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला संस्थान है भारत में। तो इस तरीके से देखिए अगर वर्ल्ड वाइड की बात किया जाए आपका तो जो यूके का ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है तो वो जो है लगातार छठे वर्ष ये शीर्ष स्थान पे बना हुआ है इस रैंकिंग में, और आईआईएससी बेंगलोर जो है 301 से 305 के बीच में रेंज में अभी तक ये अपना स्थान बनाया हुआ है। तो इंडिया की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला जो संस्थान है इस जो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो इन्होंने जारी किया था तो वह आपका आईआईएससी बेंगलोर। नेक्स्ट देखिए कि किसको प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो टाइम्स एक्सलेंस अवार्ड है तो ये जो है 2021 का साहित्यिक और कथा लेखक जो सवर्णा रहे हैं तो इनको दिया गया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है आप लोग इसे याद कर लेना। और देखिए जो टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड है आपका तो ये जो है युवा उद्यमियों को और साथ में जो नेताओं हैं और साथ में जो इनोवेटर्स हैं तो उनको पहचानने के लिए और साथ में प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए बनाया गया हुआ है। तो ये तो थे आपके सितंबर 2021 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरीके से देखिए आगे भी जो है आपको हर मंथ का करंट अफेयर आपको हम प्रोवाइड करते चलेंगे, और देखिए इसका पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जब भी आपको कोई एग्जामिनेशन आएगा तो वैसे ही हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।